नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपके लिए कुछ बेहतरीन वीडियोस का कलेक्शन लेके आ रहे हैं। आज से हम इस नए सेशन की एक नई शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं और आप लोगों से सभी से कहेंगे कि जिन लोगों को हमारे साथ पढ़ना है, जिन लोगों को चाहिए सिलेक्शन और हमारे साथ जुड़ना ना भूले। हमारे साथ सिलेक्शन आपका 100% हमको सुनिश्चित करके देंगे। आज से हम एक बहुत बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। ऐसा करंट अफेयर के सेशंस हम अपडेट आपको हर बार देंगे। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम तुरंत शॉर्ट वीडियो और फिर कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लेके आएंगे। एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का आपका लैक नहीं करेगा। बस आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से क्लास को लेना है, टाइम टू टाइम नोट्स को अपडेट करना है। नोट्स के लिए हम आप लोगों को भी प्लेटफॉर्म भी बता देंगे। लास्ट में आपको बताएंगे कि विजन का भी अपना टेलीग्राम चैनल है। आप लोगों को कई बार कुछ बच्चे कहते हैं कि भी सर हमें नोट चाहिए, हमें पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो बेटा हमारा है अपना टेलीग्राम चैनल, ठीक है, तो आप वहां से भी ले सकते हो। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो भी ले सकते हो। तो दोनों कंफर्टेबिलिटी के लिए आपको सब चीज अवेलेबल है, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज एक बहुत ही बेहतरीन सेशन से। जैसे आप सभी को पता है, देखते हैं आ जाइए आगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले अभी रानी एलिजाबेथ, आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से कि रानी एलिजाबेथ जो यूनाइटेड किंगडम की एक रानी रही हैं, उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद अब ताजपेशी की गई और जो किंग चार्ल्स थे उनको क्या बनाया गया, किंग बनाया गया। देख सकते हैं आप इनकी फोटो, ठीक है। बट इसमें ना कुछ इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं ग्लोबली हर इकोनॉमी को कहीं ना कहीं अटैच करते हैं, क्योंकि हम लोग आज इस सेशन में पढ़ेंगे कि अभी जैसे ही एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत जैसे ही यहां पर यूनाइटेड किंगडम की कोई रानी या कोई राजा नया बनाया जाता है तो पूरी की पूरी करेंसी को मोनेटाइज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ दिन पहले भारत में भी कुछ डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नई करेंसी बनाई गई थी और नई करेंसी के बनाने के साथ साथ उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। तो आप लोगों के मन में सवाल आएगा, सर क्या ऐसा इनके साथ भी होगा, इनकी तो बहुत सारी जगह पर फोटो लगी हुई है। हाँ सर, मैंने भी इसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके से दिखाया हुआ है, दिखाते हैं आप लोगों को। देखो इस तरीके से करेंसीज हैं जिसके ऊपर रानी एलिजाबेथ की फोटो बनी हुई है। उसके अलावा भी ये देखिए अलग अलग तरह की करेंसीज हैं, हम लोग अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे करेंसीज हैं, कॉइन्स हैं जहां पर इनकी फोटो लगी हुई है, ठीक है। देखिए अलग अलग तरीके की बहुत सारी हैं जहां पर लोग ये क्वेश्चन राइज कर रहे हैं कि क्या सर एकदम से बिल्कुल ही सारी की सारी चीजें क्या एकदम से चेंज हो जाएंगी। तो आज इस बेहतरीन सेशन में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एक जब कभी भी एक नई स्टेज स्टार्ट होती है तो कैसे उसका हम लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये एक बहुत बेहतरीन न्यूज निकल के आई थी, कब, 9 सितंबर 2022 को, कि यूएस करेंसी इज सेट टू चेंज आफ्टर द क्वींस डेथ। यानी कि उन्होंने कहा कि भाई अब क्वीन एलिजाबेथ की तो डेथ हो गई, अब उनकी फोटो को अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल हम चलाएंगे नहीं, तो प्रोटोकॉल के तहत इनको क्या करना पड़ेगा, इन सभी करेंसीज को दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। जैसे भारत में भी नोटबंदी हुई थी आप सभी को याद है, क्योंकि उस फेज के अंदर हर एक व्यक्ति था जिसने सफर किया था। कहीं ना कहीं एक करेंसी ही ऐसी चीज होती है जो किसी भी देश की इकोनॉमी को या तो बढ़ाती है या घटाती है या फिर उसको मैनिपुलेट कराने के लिए करती है। इसमें एक चीज हम अगर देखें तो जैसे ये परिवर्तन आने की एक बात हुई है तो पूरी की पूरी जितना भी यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड और जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपको पता है कि जहां पर इनकी कॉलोनीज रही हैं, कुछ कॉलोनी आज भी ऐसी हैं जो इनके अभी भी अंडर काम करती है। यानी कि जो डोमिनेशन है आज भी इसका जो डोमिनेशन है, उनके फ्लैक्स में, उनके नेशनल एंथम में, उनकी करेंसीज में आज भी इस रानी का डोमिनेशन देखा जा सकता है। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, मैं थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि इस सेशन में मैंने आप लोगों के लिए उन कंट्रीज का नाम भी रखा हुआ है, बस थोड़ा सा बताने के लिए। जैसे आप लोग देखते हो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यहां पर आज भी देखते हो कनाडा है, वहां पर भी आज भी इस रानी का या अगर कहें ब्रिटेन के झंडे का या उनकी करेंसी का कहीं ना कहीं डोमिनेशन आज भी अस्तित्व में है। तो इसलिए अगर ये कुछ चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर भी चेंज होगा। तो आज हम इस सेशन में ये सीखेंगे कि कैसे ये बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहे हैं, क्या होगा, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जी पुरानी करेंसी बंद कर दी जाएगी। अगर पुरानी करेंसी बंद कर दी गई तो जैसे इंडिया का हाल हुआ, क्या ऐसा ही हाल होगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे राइज कर रहे हैं, हम लोग और भी जितनी क्लासेस लेते हैं वहां पर भी बच्चे राइज कर रहे हैं कि सर क्या जैसे भारत में 500 और 1000 के नोट बंद हो गए तो क्या यहां पर भी ऐसी होगा, क्योंकि इन लोगों की तो करेंसी बहुत सारे देशों में है। और जैसे कि मैंने पीछे भी दिखाया, देखिए लगभग लगभग ये एक अमाउंट है जो लमसम है कि 29 बिलियन के सिक्के और
4.7 बिलियन के बैंक नोट्स हैं जहां पर रानी एलिजाबेथ की फोटो लगी हुई है, तो क्या सर सभी को बदल देंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ये लोग का एक प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल कहता है कि जैसे ही, जैसे मान लीजिए आप लोग ये देख पा रहे हैं कि यहां पर एक रानी है, रानी की फोटो लगी हुई है सभी नोट्स पे, सभी करेंसीज पे, तो ये ना चेंज नहीं होगा। यानी कि जैसे भारत में एक चीज आई थी कि रात को 8:08 से या रात को 12 बजे से जो है ये जो नोट्स हैं लीगल टेंडर नहीं होंगे, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसकी स्थिति जैसी है वही रहेगी, बट अब से जितनी भी करेंसी प्रिंट होगी वो किंग चार्ल्स के साथ प्रिंट होना शुरू होगी। आप कहोगे सर कैसे? देखो मैं आपको एक डोमिनेशन का एक बहुत बड़ी एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए, अभी मैं इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने रात को, जब आप लोग सो रहे थे ना रात को, देखिए रात को 12:17 पे इन्होंने रात 14 सितंबर 2022 को ये खबर दिखाई कि हम लोगों ने तो भाई साहब परिवर्तन करने की शुरुआत भी कर दी। हमने $5 जो $5 का जो करेंसी है उसके ऊपर किंग चार्ल्स की फोटो लगा दी। तो इसी प्रकार आने वाली जो करेंसी होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी, जैसा आप पहले देखते थे कुछ इस प्रकार से ये करेंसी आया करती थी। तो ये डोमिनेशन जो है इनका, ये दिखना शुरू हो गया है आप लोगों को। जैसे मैंने भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया का भी डोमिनेशन आज भी, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर वर्क करता है, ठीक है, जो इनका हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है, जैसे हमारे देश में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो हमारी हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो पूरी की पूरी कंट्री को रन करती हैं। तो इसी प्रकार इनके यहां पर जो डोमिनेशन होता है ना हेड ऑफ स्टेट का, वो किसके पास होता है? या तो रानी के पास होगा यूनाइटेड किंगडम की, या आप जो राजा है उनका रहेगा। पॉइंट क्लियर है? आगे चलते हैं इसी सीक्वेंस में, देखते हैं आगे। इसमें और कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, देखो इसके बाद। देखो पहली बार कुछ चीजें चेंज हुई, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब कोई भी चीज चेंज होती है तो उसके अंदर बदलाव आते हैं, जैसे कि नेशनल एंथम है उसमें भी बदलाव आया। ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि जितना भी चीजें चेंज होंगी उनको किस तरीके से किया जाता है। अब हम इसको एक एक करके सीक्वल में समझते हैं। क्या है ये कॉमनवेल्थ, हम ये भी समझेंगे। कौन कौन से देश हैं जो कॉमनवेल्थ में आते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे देश की एक बहुत अच्छी, आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाओं ने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर अपना परचम लहराया था, चाहे वो कुश्ती थी, अलग अलग इवेंट्स थे, टेनिस था, टेबल टेनिस था, इतने सारे अलग अलग गेम्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, वो भी क्या था कॉमनवेल्थ गेम्स से। आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा होगा उसके बारे में, उसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे। जैसे इंडिया ने कितने मेडल जीते, कितने लोगों ने गोल्ड मेडल जीते, सिल्वर मेडल जीते, ब्रॉन्ज मेडल जीते, ये बेसिकली बेसिक आप लोगों ने बेसिक पढ़ लिया होगा। फिर भी हम इसके ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ये समझाने के लिए कि कैसे कॉमनवेल्थ वर्क करता है। और हम ये भी सीखेंगे कि कॉमनवेल्थ के अंदर कौन कौन से लोग आज भी शामिल हैं। और एक बात और याद रखना दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले, सोचो देश हमारा आजाद हुआ था 1947 में, तो भारत से तो डोमिनेशन खत्म हो गया आजाद होने के बाद। पर अब 2021 यानी कि 21वीं सदी के अंदर एक मजेदार चीज देखने के लिए मिला कि एक देश है जिसका नाम है बारबाडोस। क्या नाम है? बारबाडोस। मैं लिख देता हूं साइड में, एक देश है जिसका नाम है बारबाडोस। उन लोगों ने अपना डोमिनेशन इस यूके से खत्म कर लिया। इन्होंने लगभग 18 अक्टूबर को अपनी असेंबली में, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि जो डोमिनेशन है यूके का, उसके राजा का, वहां से खत्म कर दिया जाए और हम अपनी प्रेसिडेंट चुन लें। तो आपके पास क्वेश्चन करंट अफेयर में ऐसे ही आते हैं कि भी कौन सा भी लेटेस्ट एक कंट्री रही है जिसने अपना डोमिनेशन अभी खत्म किया है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि भाई उन्होंने अपनी कौन सी पहली राष्ट्रपति चुनी है, उनका नाम बताइए। तो ये भी चीजें मैं आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से बताऊंगा। पर इस देश का नाम बिल्कुल भी मत भूलना, बारबाडोस एक ऐसी कंट्री है जो लगभग 18 अक्टूबर को एक रेसिडेंस अपने यहां पर पास किया, इन्होंने रिजोल्यूशन पास किया और इसके तहत इन्होंने डोमिनेंस जो चलता अभी तक आ रहा था यूके का, वहां की महारानी का, वो खत्म कर दिया है। ठीक है, चलो समझते हुए चलते हैं इसको हम पूरे बिल्कुल एक एक बेहतरीन तरीके से कि कहां से शुरुआत हुई, क्या हुआ, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये हमारी करेंसी है, जो उन्होंने चीजें चेंज करने के लिए एक न्यूज आई क्या कि जैसे यूके ने करेंसी को चेंज करने के लिए कहा तो कुछ और चेंजेस इन्होंने कहा करने के लिए कि भाई नेशनल एंथम में भी चेंज कर देते हैं। जो ब्रिटिश के जो पासपोर्ट है जिसके ऊपर रानी एलिजाबेथ का इस तरीके से एक फोटो आता था उसको भी अब चेंज करेंगे, और उसके ऊपर अब जो किंग चार्ल्स थर्ड जो अभी जिनकी ताजपेशी हुई है, ठीक है,
जिनकी अभी ताज पेशी हुई है उनकी फोटो इसके ऊपर डाली जाएगी, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, जैसे चीजें सिस्टमेटिक चलती हैं उसी हिसाब से काम होता है। तो इन्होंने क्या किया कि जितना भी यहां पर ब्रिटेन में बहुत सारे अलग अलग आप देख सकते हो आर्टिकल में लिखा है अ यूनियन जैक, ठीक है, डैम्ड वीजा, वीजा क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी इनकी फोटो चेंज की जाएगी, जितने भी मैनचेस्टर्स हैं, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर, वहां पर भी 13 मार्च को पहले एक बार ऐसे चेंजेस करने के लिए भी बताया गया था। उसके अलावा जितने भी यहां पर यूरोज हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी इन्होंने कहा कि भाई हम लोग क्या करेंगे, जहां पर ब्रिटिश के अलग अलग बैंक नोट चलते हैं वहां पर हम इन चीजों को चेंज करेंगे। जैसा आप लोग एक एक और आर्टिकल देख सकते हो, ये भी एक आर्टिकल 13 सितंबर को भी आया है, उसके अंदर पब्लिश किया गया कि बैंक नोट फीचरिंग क्वींस एलिजाबेथ सेकेंड आर सर्कुलेटिंग इन द यूके, 19 अदर नेशंस हियर हाउ दे विल बी रिप्लेस। अब आप देख सकते हैं कि ये लगभग 19 उन्हीं देशों की बात कर रहा है जो उनके कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, यानी कि जहां पर अभी भी क्वीन एलिजाबेथ या फिर इनका डोमिनेंस अभी भी स्थापित है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगली खबर के साथ। अब इन्होंने कहा कि जो भाई इसके जो फेसेस हैं, देखो द फेस ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकंड हु डाइड ऑन 8 सितंबर। बेटा यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की मृत्यु किस तारीख को हुई, तो ये डेट आपके सामने है 8 सितंबर। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पिक कर सकता है। इस प्रोमिनेंटली फीचर्ड ऑन द कॉइन्स एंड बैंक नोट्स नॉट जस्ट इन द यूके एटलीस्ट इन द 20 नेशंस। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कुछ डोमिनेशन आज भी हैं जहां पर आज भी इनकी करेंसी चलती है। जो देश है जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैंने आपको अभी एक थोड़ी सी फोटो दिखाई, वहां पर भी इन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी चेंज करने की शुरुआत कर दी, तो उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, अपनी बैंक करेंसी के ऊपर उस फोटो को चेंज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए देयर आर एटलीस्ट 29 बिलियन कॉइन्स। अब आप देखो कितनी बड़ी मात्रा में बात कर रहे हैं, ठीक है, 29 बिलियन कॉइन्स हैं इस पूरे के पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जहां पर इनकी फोटो लगी हुई है। उसके अलावा 4.7 बिलियन के बैंक नोट्स हैं जहां पर इस वक्त इनकी फोटो लगी हुई है, ठीक है, इसको करंटली जो है सर्कुलेट किया जाएगा, ठीक है, यूके के अंदर, और दे ऑल फीचर्ड द क्वीन पोर्ट्रेट्स, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सिंस किंग चार्ल्स थर्ड, जैसे ही उनके बेटे ने ये गद्दी संभाली, हैज बीन अपॉइंटेड द किंग ऑफ द इंग्लैंड, न्यू बैंक नोट्स कॉइन्स, ठीक है, स्टैम्प्स विल बी रोल्ड बियरिंग चार्ल्स थर्ड फेस। यानी कि उन्होंने तुरंत कह दिया कि जिस जिस जगह पर अभी तक रानी एलिजाबेथ की फोटो चलती थी अब उसको भी अपडेट किया जाए, चाहे वो बैंक नोट्स हैं, चाहे वो आपका स्टैम्प्स हैं, या उनकी वीजा पासबुक है या पासपोर्ट्स हैं, उसके ऊपर सभी चीजों को चेंज किया जाना चाहिए। अलोंग विद द यूके अदर नेशंस आर आल्सो मेकिंग द चेंज टू द देयर करेंसीज। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी लोग इन लोगों से जुड़े हुए हैं या कॉमनवेल्थ का पार्ट है जहां पर इनका डोमिनेंस आज है, उन्हें भी चेंज करना पड़ेगा। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। देखिए ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था अभी कि चार्ल्स के सिंहासन पर बैठने के साथ ही ब्रिटेन और उसके बाहर जीवन से जुड़े कई पहलू बदल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, जिसमें उसका राष्ट्रगान, जैसे हमारा नेशनल एंथम होता है। अच्छा दोस्तों, आप लोग ना एक कमेंट करके मुझे बताना कि भारत के अंदर हमारा राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगान किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने, उसको पहली बार कब गाया गया था। यह आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप लोग मुझे इसका कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रगान आया तो राष्ट्रगान से क्वेश्चन भी पूछे जाने चाहिए। और बेटा इसी तरीके से हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ये सेवा जिसकी शुरुआत आज हमने की है ना, ये आपके सिलेक्शन पे खत्म होगी। आपको सिर्फ क्या करना है, निरंतर हमारे साथ इन चीजों को साथ में चलाना है और साथ में उन बच्चों तक भी इसको पहुंचाना है जिनको एक्चुअल में उसकी नीड है। हर कोई व्यक्ति किसी न किसी चीज से सफर कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने ये बेड़ा उठाया है कि आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी, बस आपको इस तरह से हमारे साथ जुड़ना है और इन चीजों को शेयर करना है ताकि ये सब चीजें आगे लोगों के साथ जुड़ सके और उनको भी सिलेक्शन तक लेके जाएं, ठीक है बेटा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत का राष्ट्रगान पहली बार जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया वो कब और किस सभा में गाया गया, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इसको। चले आगे, चलो फिर है नोट, सिक्के, पोस्टल स्टैंप्स, ठीक है, पोस्ट बॉक्स, पासपोर्ट तक इसमें शामिल है। जैसे हम लोगों ने देखा था, ये देखो कुछ फोटोज हैं जिनकी पोस्टल स्टैम्प्स हैं, पासपोर्ट्स हैं, यहां पर अब जो फोटो है वो रिप्लेस हो जाएगी और किंग चार्ल्स थर्ड की जो फोटो है उसके ऊपर आ जाएगी। आगे बात करते हैं, देखिए महारानी एलिजाबेथ और द्वितीय की मृत्यु के बाद परिणाम स्वरूप पूरे यूनाइटेड किंगडम और कॉमनवेल्थ में संस्थानों के नाम पर परिवर्तन होगा। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की जगह मुद्रा और प्रतीक चिन्ह
नए राजा के प्राकृतिक लगानी पड़ेगी, यानी कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इनका डोमिनेंस है अलग अलग जगह पर, और जहां जहां पर इनका रूल चलता है वो लोग क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे और वहां पर उसी प्रोटोकॉल के तहत इसको बदला जाएगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि प्रोटोकॉल जैसे ही चेंज हुआ, कंट्रीज एक्टिव मूड में आ गई हैं, उन्होंने अपना डोमिनेंस जो उनके ऊपर चलाया जा रहा है उसका एक जीता जागता सबूत भी इन्होंने दे दिया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने, जैसा मैंने भी आप लोगों को बताया, ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत क्या किया, अपनी करेंसी को चेंज करना शुरू कर दिया और इन्होंने पहला $5 का एक नोट इशू कर दिया। तो आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से भी कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला कौन सा नोट जारी किया जिसके ऊपर उन्होंने एलिजाबेथ की फोटो को हटाकर किंग चार्ल्स थर्ड की फोटो को लगाया। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आपके पास आपके सामने है, यहां से क्वेश्चन राइज किया जा सकता था। इससे पहले कुछ इस तरीके से वहां पर ये चीज चलाई जाती थी, ठीक है, पाउंड्स के ऊपर इनकी फोटो लगाई जाती थी, जो अब चेंज हो रहा है, जैसे कि आप लोग यहां देख सकते हो पासपोर्ट है, ठीक है, डाक टिकट है, ठीक है, इन चीजों के ऊपर इनकी जो फोटो हुआ करती थी अब उनको रिलीज करना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है द रॉयल मिंट सेड, रॉयल मिंट कौन है अभी हम सीखेंगे, ये रॉयल मिंट वही देश है जहां पर इनका फैसला, यानी कि अगर रानी ने कोई फैसला दिया कि ये चीज होनी चाहिए, कोई लॉ बना दिया या कोई ऐसी चीज कही गई, तो ये ऑटोमेटिकली इन देश के ऊपर लागू हो जाती है। जैसे हमारे यहां पर राष्ट्रपति होते हैं ना, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, ठीक है, लोकसभा से कोई बिल पास होता है राज्यसभा जाता है, फिर राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जैसे ही प्रेसिडेंट उसको असाइन करता है ऑटोमेटिकली हमारे 28 के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ऑटोमेटिकली वो लागू हो जाता है। तो ऐसे इनका भी अस्तित्व है, जैसी कोई चीज बनाते हैं तो इस ऑटोमेटिकली इनके जितने भी मिंट्स हैं, यानी कि इनका जहां जहां पर साम्राज्य है तुरंत ऑटोमेटिकली वहां पर वो लागू हो जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। फिर कहता है इट विल टेक योर ईयर्स टू रिप्लेस द करेंसी एडॉर्न विद द लेट क्वींस इमेज, ठीक है, मुझे भी पता है आप लोगों को पता है बेटा इतनी सारे पैसे पे उनकी फोटो है तो रिप्लेसमेंट होगी, बट आने वाली करेंसी पर, पीछे जो करेंसी चल रही है उनको कैसे रिप्लेस कर देंगे, तो वो लोग क्या होंगे, वो नोट वो कॉइन्स वो लीगल टेंडर होंगे, बट आने वाली जो करेंसी होगी उसके अंदर वो क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करना शुरू कर देंगे। देखिए ये लिखा हुआ है रिप्लेस विद इट विद अ न्यू वन, यानी कि नए के साथ चेंज करेंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे भारत में हुआ था, पहले 1000 और 500 के नोट को बंद कर दिया, फिर नई तरीके से कुछ नोट्स निकाले गए जिसमें 2000 के भी हैं 500 के भी हैं, ठीक है, अलग अलग करेंसीज निकाली गई हमारे यहाँ पर अलग अलग, ठीक है, मनी वैल्यू की, उस पर अलग अलग फोटोजेशन हुए, तो ऐसा यहां पर नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने एक चीज और कही, कहा कि ऑल्सो इट शुड बी नोटेड दैट एन ऑफिशियल पोर्ट्रेट ऑफ किंग चार्ल्स थर्ड स्टिल नीड टू बी कमीशन बिफोर बैंक नोट्स बियरिंग हिज फेस आर रिलीज, यानी कि इन लोगों के लिए कमीशन बनाई जाएगी जिसके अंदर बताया जाएगा कि किस तरीके से या किस फोटो को इनको एप्लीकेबल करना है, सभी एक ही जगह पर एक ही जैसी चीज जानी चाहिए। फिर इन्होंने कहा द करंट वैल्यूएशन ऑफ द बैंक नोट्स बियरिंग हिज मदर्स फेस, लगभग लगभग देखिए ये अमाउंट है लगभग 82 बिलियन यूरोज, इतना बड़ा अमाउंट है जिसके अंदर इनका डोमिनेशन, यानी कि इन रानी का डोमिनेशन बना हुआ है, तो इतनी बड़ी मुद्रा पे तो बदलाव नहीं कर सकते ना, इसलिए आने वाली पे चेंज करेंगे। चलो फिर कहता है इट शुड बी नोटेड दैट कॉइन्स एंड बैंक नोट्स बेयरिंग हर इमेज स्टिल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर, बेटा अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर आप चाहें तो इसकी पूरी की पूरी आप लोगों को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसका लिंक अभी मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आइए, उसके अंदर हम लोग ना कुछ क्विज बनाते क्विज वगैरह देते हैं, हमारे यहाँ पर सैटरडेज में कोई टेस्ट वगैरह होते हैं हम उसकी इमेज भी उसमें शेयर करते हैं, उसके अलावा पोल्स भी हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसका पोल है, आपने सही किया चार ऑप्शन होंगे, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन होंगे, आप पोल भी कर सकते हो, पोल करोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा आपने सही किया या गलत किया है, इस तरह के असाइनमेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे चलते रहते हैं, तो आप वहां से भी इसको ले सकते हो, ठीक है। चलो और इस तरह की आगे की जितनी भी वीडियोस आएंगी उसकी लिंक्स भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, और हाँ बेटा लाइव क्लासेस भी हम लोग लेके आएंगे तो उसकी भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अब क्या क्या चीज चेंज हुई, जैसे हम लोगों ने नोट तो देख लिया और भी तो कुछ चीज चेंज हुई है ना, राष्ट्रगान, अब राष्ट्रगान को अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, अभी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच चल रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां पर अभी इनको श्रद्धांजलि दी गई और नेशनल एंथम को गाया गया, तो पहली बार नेशनल एंथम को जब वहां गाया गया ना तो एक स्टेटमेंट को चेंज किया गया, द स्टेटमेंट इज क्या थी वो स्टेटमेंट कि गॉड सेव
ठीक है, क्या थी? गॉड सेव अवर ग्रीशियस क्वीन। अब क्वीन तो नहीं है, क्वीन तो डेथ हो गई, तो इन्होंने क्या किया, अब उसको चेंज करके क्या बोला, गॉड सेव अवर ग्रेशियस किंग। ठीक है, किंग कौन है हमारे? चार्ल्स थर्ड। ठीक है, जिनको भी किंग बनाया गया। तो देखो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, तुरंत चीजें चेंज हो गई। आपसे को पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले क्या था, कौन सा कोड जनरेट था, और इस वक्त कौन सा कोड बना दिया गया है। तो जब उन्होंने नेशनल एंथम, आप लोगों को पता है कि प्रोटोकॉल होता है, जब भी कोई मैच शुरू किया जाता है तो पहले हम लोग अपने राष्ट्रगान को गाते हैं, उसी प्रोटोकॉल के तहत इन चीजों की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो प्रोटोकॉल के तहत जब उन्होंने इसको स्टार्ट किया, तो अब से पहले जो गाया जाता था वो आता था गॉड सेव अवर ग्रेशियस क्वीन, इसको चेंज करके अब लोग बना दिया है गॉड सेव अवर ग्रेशियस किंग, क्योंकि अब किंग है तो भैया उनकी लंबी उम्र की कामना भी करना चाहिए ताकि वो उनको अच्छे तरीके से सर्व कर सके। ठीक है, और यहां पर बताया गया है कि पहली बार एंथम को यूज किया गया 1745 में। 1745 में, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस सन में पहली बार इस नेशनल एंथम को गाया गया या बनाया गया। जैसे मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने जो भारत में जन गण मन हम लोग गाते हैं उसको लिखा, ठीक है, ये तो सभी को पता है, बट गाया कब गाया ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, था वेन एन अर्ली वर्जन वेन गॉड सेव अवर ग्रीजियस अवर किंग, लॉन्ग किंग, नोबल किंग, गॉड सेव द किंग, ये टैगलाइन है जिसके तहत इनकी नेशनल एंथम चलती है। वेरी गुड, चलते हैं आगे। इसमें कहता है इन एडिशन टू द यूके द किंग इज हेड ऑफ द स्टेट। देखो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, भारत में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट। इसीलिए वहां पर 14 कॉमनवेल्थ जो रूल्स में है उनका जो अस्तित्व है वो किससे है? हेड ऑफ द स्टेट। और वो हेड ऑफ द स्टेट कौन है वहां का? ये किंग चार्ल्स थर्ड, जो किंग बनाया गया है। तो डोमिनेशन है जिसकी बात हम शुरू से बात करते हैं। अब जानते हैं कि वो डोमिनेशन है कहां पर। यहां से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगा, या तो वो आपको बोल देगा तीन नाम देगा जो सही होंगे और एक गलत दे देगा। जैसे कि अभी एक रिसेंटली मैं एक चीज देख रहा था कि ना चाइना, मैं आप लोगों को लिख देता हूं यहां पर, चाइना, चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर डोमिनेशन इसका नहीं रहा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम हुए थे अभी, वहां पर चाइना सर्व नहीं कर रही थी, इसी वजह से चाइना को वहां पर रिप्लेस किया गया कि क्योंकि कॉमनवेल्थ में वही देश होते हैं जहां पर या तो उनका पहले से ही कॉलोनीज रही होगी या अभी भी कॉलोनी वहां पर काम कर रही है। ठीक है, तो 14 है इस वक्त अभी हमारी। कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है हमारी 14 रूल्स है, जिसमें एंटीगुआ है, बारबुडा है, ऑस्ट्रेलिया है, बहामा है, बेलाइज है, कनाडा है, ठीक है, ग्रेनाडा है, ठीक है, जमैका है, न्यूजीलैंड, पापुआ नूगिनी, सेंट किट्स, नेवेस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडेड्स, ठीक है, सोलोमन आइलैंड, ठीक है, टूवालू। तो ये सभी सभी वो ही देश है जहां पर आज भी जैसे ही इन्होंने ये कानून बनाया कि भैया हम कंट्रीज में डोमिनेशन करेंगे और उसके अलावा वहां के बैंक नोट्स, वहां की करेंसी, वहां के पासपोर्ट, वहां के वीजा चेंज करेंगे, तो वो नियम इन सभी पे ऑटोमेटिकली लागू हो गए और उन्होंने चीज को चेंज करना शुरू कर दिया। आइए एक चीज और हम लोग जाने। लिखा है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग इसका आंसर देंगे। लिखा है स्टिल इंडिया नीड टू बी अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, कि क्या आज भी इंडिया को कॉमनवेल्थ का पार्ट रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग जीडीपी के मामले में यूके को पछाड़ चुके हैं, हम लोग फिफ्थ पोजीशन पे आ गए हैं, यूके सिक्स पोजीशन पे आ गया है, हमारी इकोनॉमी अब अलग तरीके से चल रही है, भारत फिर से दोबारा से, जैसे हम लोग एक शब्द यूज करते थे ना पहले, विश्वगुरु। विश्वगुरु का मतलब जब भी कोई बड़ी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो भारत का इनिशिएटिव बहुत बड़ा हो जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया, ये हर कोई जानना चाह रहा है। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यूक्रेन का वॉर हुआ है या चाइना ताइवान चल रहा है, रशिया यूक्रेन हुआ, तो हर कोई ये जानना चाहता है व्हाट इज द स्टैंड ऑफ इंडिया। तो क्या इंडिया को अभी भी इस गुलामी, जो ये गुलामी है, ये गुलामी तो है कॉमनवेल्थ, क्या इसके चंगुल में अभी भी रहना चाहिए या क्विट कर देना चाहिए? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगर आप लोग भी चाहते हो कॉमनवेल्थ के ऊपर ये वीडियो बननी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है, बताइए कि क्या इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, आपके क्या विचार हैं, ठीक है, क्या मानते हो कि क्या इंडिया को पार्ट रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब एक कॉलोनी जो पहले 1947 में खत्म हो गई, क्या उसको भी कंटिन्यू करना चाहिए? क्या हमें गुलामी के उस, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम जो ये रहा है,
इसके अंदर पार्टिसिपेट आगे से करना चाहिए या क्विट कर देना चाहिए, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्या इंडिया को उसका पार्ट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के लिए एक और इंफॉर्मेशन है छोटी सी ये। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप उसको क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया हमारे टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको उसका नाम लिख देता हूं, आप लोग ये वाली जो पीडीएफ है वहां से जाकर ले सकते हो। आप वहां पर पोल्स भी ले सकते हो, नोट्स भी ले सकते हो, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, आप लोग डालेंगे विजन वाई वी, ये पूरा नाम है। जैसे आप लोग विजन वाई वी डालेंगे आपके पास टेलीग्राम में हमारा ये चैनल आ जाएगा, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसी फर्दर अपडेट्स के लिए ठीक है हम लोगों से जुड़ सकते हैं। जो बच्चा चाहता है फिजिकली तो ये हमारी कुछ लिंक्स हैं, इसके ऊपर भी आप लोगों को क्लास ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे सेगमेंट्स आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चीज समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में आप तुरंत कमेंट कीजिए ताकि हम लोगों को अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकें, आपके डाउट्स को क्लियर सकें और आपके सिलेक्शन में आने वाले जितने भी हर्डल्स हैं उसको रिमूव कर सकें। ठीक है, अब ये वीडियो होगी आपकी, अब आपको इसको कितना फॉरवर्ड करना है, कितने लोगों को देना है, कितने लोगों की हेल्प करनी है, अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। मेरा पर्पस है आपके सिलेक्शन को आप तक पहुंचाना, मेरी मेहनत आपकी मेहनत। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।